हेलो। हेलो विनोद, कैसे हो? अरे आलोक जी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और आपका काम कैसे चल रहा है? काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। अरे ये ड्यूएल पीटीओ क्या होता है और इसका उपयोग क्या है? ये ड्यूएल पीटीओ तो बड़े ही काम की चीज़ है, लेकिन इसकी जानकारी के लिए मैं अपने एक मित्र का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कीजिए। चलेगा, आप भेज दीजिए नंबर, मैं बात करके उनसे मिल लेता हूँ। ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस जो अपनी फोन पे बात हुई थी ड्यूएल पीटीओ के बारे में, तो बताइए क्या होता है ड्यूएल पीटीओ और इसके उपयोग क्या हैं? बिल्कुल बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल ट्रैक्टर का उपयोग खेती के बहुत सारे कामों के लिए किया जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ट्रैक्टर का उपयोग सिर्फ जुताई और ढुलाई के लिए ही किया जाता था। खेत के अन्य काम जैसे फसल की सिंचाई करना, देखभाल करना, कटाई करना, ये सभी काम मजदूरों की सहायता से ही किए जाते थे। लेकिन आजकल ये सभी काम आप ट्रैक्टर की मदद से कर सकते हो, जिससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है और इस बात का मैंने अनुभव भी किया है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर में लगे हुए पीटीओ की। पीटीओ की सहायता से आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके बहुत सारे उपकरण चला सकते हो, जैसे कि रोटरी टिलर, पावर हैरो, रटून मैनेजर, बेलर, पोटैटो डिगर, पोस्ट होल डिगर, मल्चर, श्रेडर, वाटर पंप, जनरेटर, थ्रेशर, ऐसे बहुत सारे उपकरण चला सकते हो। इतने सारे उपकरण में एक ही ट्रैक्टर से चला सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आपको ये सभी उपकरण एक ही ट्रैक्टर से चलाने हैं तो आपको ट्रैक्टर में ड्यूएल पीटीओ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी स्टैंडर्ड पीटीओ और इकोनॉमी पीटीओ। अच्छा, स्टैंडर्ड पीटीओ और इकोनॉमी पीटीओ, किसका उपयोग कब करना है? बिल्कुल, पहले स्टैंडर्ड पीटीओ का उपयोग समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड पीटीओ का इस्तेमाल ऐसे उपकरण के लिए करना है जहाँ पे उन्हें चलाने के लिए इंजन की ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड पीटीओ का इस्तेमाल आप रोटरी टिलर, पावर हैरो, रटून मैनेजर, बेलर, मल्चर और श्रेडर जैसी मशीन को चलाने के लिए कर सकते हो। और इकोनॉमी पीटीओ का उपयोग कब करना है? इकोनॉमी पीटीओ का इस्तेमाल ऐसे उपकरण को चलाने के लिए करना है जिन्हें चलाने के लिए इंजन की कम ताकत की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमी पीटीओ का इस्तेमाल आप वाटर पंप, जनरेटर या थ्रेशर जैसे उपकरण को चलाने के लिए कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, आजकल ट्रैक्टर में रिवर्स पीटीओ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिवर्स पीटीओ, इसका उपयोग कब किया जाता है? बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि थ्रेशर चलाते समय वो कभी चोक हो जाता है, तो उस चोक को निकालने के लिए आप रिवर्स पीटीओ का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने से आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत भी होगी। अरे वाह, आपने तो मुझे बिल्कुल सरल भाषा में स्टैंडर्ड पीटीओ, इकोनॉमी पीटीओ और साथ ही साथ रिवर्स पीटीओ के बारे में भी बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, कैसे अलग अलग पीटीओ का इस्तेमाल अलग अलग उपकरणों के लिए किया जाता है। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण।